लड़कियां भी नहीं है, तुम आंटियां दे रहे हो लड़कियों के नाम पे मुझे। और पूरे दिन वो काम करवाती है यार, मेरे से आगे पीछे करवाती है, वो पूरा निचोड़ के रख देती है। एक ही क्लाइंट से करीब 25,000 की पेमेंट मिलती है। मैं क्यों घरों के काम करूं, मैं क्यों करूं? और अरे यार, चलिए शुरू करते हैं। हेलो, हाँ जी। अरे नए क्लाइंट मत भेजो यार, अभी अभी ये तुम्हारा पुरानी पेमेंट तो दे दो यार पहले मुझे। नए क्लाइंट की मैं कैसे कर लूंगा, आपके ऑर्डर में पूरे फुलफिल ही नहीं कर पाऊंगा। अच्छा यार, ये भी तो देखो एक बंदे पे लोड कितना रहता है, और आप इतने सारे क्लाइंट पे क्लाइंट तो दिए जा रहे हो, और पेमेंट अब तक तुमने एक क्लाइंट की भी नहीं दी यार। ये तो देखो जरा, वो मोटी भैंसी इतनी गेंडी जैसी वो क्लाइंट्स रहती है तुम्हारी, लड़कियां भी नहीं है, तुम आंटियां दे रहे हो लड़कियों के नाम पे मुझे। उनके बैग लेके घूमो, यहाँ घूमो वहां घूमो, और पूरे दिन वो काम करवाती है यार, मेरे से आगे पीछे घुमाती है अपने। यार कम से कम कोई ऐसी तो देखो यार कि ना थोड़ा पैसे भी अच्छे मिले और मुझे भी थोड़ी अच्छी फीलिंग आए। अब उनके साथ ऐसा घूमना पड़ता है, पता नहीं क्या इतना काम करवाती है, वो पूरा निचोड़ के रख देती है खुद बुड्ढी ठेरी, और बंदा चाहिए उनको कमसम कला। नहीं, तुम एक काम करो यार, मुझे ना एज ग्रुप चेंज करो यार उनका। तुम दे रहे हो मुझे आंटिया, ऐसा नहीं चलेगा यार। नहीं, और पेमेंट बढ़ाओ थोड़ी यार। एक साथ में तुम सुबह की शिफ्ट अलग देते हो, दोपहर की अलग देते हो, इवनिंग अलग देते हो यार। ऑफिस भी जाना होता है, काम भी होता है, उसके बीच में उनको भी मैनेज करना है। वो मुझे उठा के लेके जा रही है, कभी बाहर में लेके जा रही है, वहां पे वो कभी बोलती है ड्रिंक पिलाओ, ये करो वो करो, तो मैं क्या इतना काम कैसे करूं उनके लिए? बंदे को अपना घर का भी तो काम होता है यार। हाँ, और नाइट शिफ्ट मत देना किसी को भी। हाँ भाई, बंदा घर पे आएगा, अपना घर पे भी तो, फैमिली को भी तो टाइम देना पड़ता है। नाइट शिफ्ट नहीं चाहिए मुझे। हाँ, डे शिफ्ट में कर लेना, ऑफिस के थोड़ा टाइम वाइम निकाल के मैं कर सकता हूँ थोड़ी बहुत देर का काम तो। हाँ, और पेमेंट भेजो यार पहले तो। पेमेंट भेज दोगे तो थोड़ा सा अंदर से मोटिवेशन भी आता है यार, काम करने में मन लगता है। हाँ, ठीक है, चलो, ओके 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 ओके। हाँ, और हाँ ठीक है, चलो बाय। तुम किससे बातें कर रहे थे? तू यहाँ क्या कर रही थी? मैं पौधों में पानी दे रही थी। तुम कौन से पौधों में पानी दे रहे हो? oh, no. अरे वो नया जॉब कॉन्ट्रैक्ट लिया है। कौन सा जॉब है? नया जॉब शुरू किया है, न्यूज़पेपर में छपा था यार इसके बारे में, तो मैं कहा साइड इनकम के लिए शुरू कर लेता हूँ। कौन सी साइड इनकम? अरे किससे बातें कर रहे थे? अरे हा? एक एज ग्रुप चेंज करो। हाँ, आंटियां हैं, घुमाना फिराना, किस मैटर में बातें कर रहे थे? अरे मैंने नया जॉब शुरू करा है प्ले बॉय का। शाबाश! क्या? हाँ, प्ले बॉय जॉब शुरू करी है मैंने। ये क्या होता है? इसमें क्या होता है, जैसे कि हमने रजिस्ट्रेशन करा है ना, तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद ये लोग हमें ना क्लाइंट्स भेजते हैं हमारे पास। कैसे क्लाइंट्स? मतलब कि ये जो क्लाइंट्स हैं इनको हमें सेटिस्फाई करना होता है। मतलब ये लोग हमें बाहर घुमाने फिराने की डिमांड करते हैं। अरे जो रईस औरतें होती है ना, आंटियां टाइप है ना, उनके ना शौक बड़े नवाबी रहते हैं। पति तो गया बेचारा तेल लेने, और उनको चाहिए कमसम कला, गबरू जवान मेरे ऐसा है ना। अच्छा, और फिर वो जवान हो, कमसम कला हो तुम। हाँ, उनको चाहिए ऐसा कि ना बॉयफ्रेंड जो उनके आगे पीछे घूमे, लल्ला चप्पो करे, और अपने उसमें लेके जाती है फिर वो किटी में साथ में, कि ये मेरा वो है बॉयफ्रेंड है। तो उनको शो ऑफ करना होता है लोगों के सामने है ना। थोड़ा बहुत हाथ वाथ पकड़ लेती हैं चार लोगों के सामने, तो ऐसे उनको मतलब कि शो ऑफ करने के लिए वो हायर करती हैं किसी को। तो वैसा उन्होंने, और एक ही क्लाइंट से करीब 25,000 की पेमेंट मिलती है, और रहीसो तो फिर तो मतलब कहने ही नहीं, 50,000। और BMW से लेके और बड़ी बड़ी गाड़ियां देते हैं ये लोग, पता है, और पेट्रोल भी नहीं का खर्चा पूरा। और क्या क्या देते तुमको यार? मिलता तो बहुत कुछ है, लेकिन अब और क्या बताऊं तुझे, ये सर्विस अभी तुम्हें कुछ और काम ही नहीं मिला। अरे यार लेकिन कुछ वो काम ही नहीं मिला, दिक्कत ही तो वो है ना, काम कर दिया पेमेंट। क्या साइड बिजनेस क्या है ये तुम्हारा, तुमको जरूरत क्या है? अरे यार जरूरत, अरे मेरे साथ वही तो दिक्कत हो गई ना, काम कर दिया सामने वाले का, पेमेंट अब तक नहीं दी उन्होंने। नहीं अकल मारी गई है कि तुम्हारी? कोई सुनेगा देखेगा क्या कहेगा, कोई है ये काम कर रहा है? शर्म तो तुम्हें है ही नहीं। अरे शर्म तो तुमने बेच खाई। अरे वैसा नहीं है तू। क्या वैसा नहीं है? क्या आंटे घुमा रहे हो और तुमको शर्म नहीं आ रही? अरे इसमें शर्म वाला कुछ काम कैसे लगते होगे तुम आंटे के साथ में? अरे इसमें शर्म वाला कुछ काम नहीं है, इसमें ना बस इनको घुमाना फिराना है, बस उतना ही काम रहता, और कुछ ऐसा नहीं रहता। घुमाना फिराना? तो पूरी दुनिया में तुम ही बचे हो क्या? तुम ही घुमाओगे दुनिया को? अरे तुम्हारे शौक नवाबी हो रहे हैं, उनके शौक नवाबी नहीं है, शौक तुम्हारे नवाबी है। अरे मेरे तुमको घूमना अमीरों के साथ, मेरे BMW में बैठो। मेरे जैसे और भी हैं 4-5 उनके ही कंपनी में जो काम कर रहे हैं और अच्छा खासा कमा रहे हैं यार। उनके देख रही हो क्या क्या बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी हो गई उनके यहाँ, वो तो ओवर टाइम भी कर रहे हैं। अच्छा फिर तो सीक्रेट मूवी में भी एक्टिंग करने लगो तुम? मैंने तो मना कर दिया कि भाई नाइट में तो कोई क्लाइंट नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ अपनी फैमिली को टाइम देता हूँ मैं नाइट में। और किसको टाइम देते हो तुम? हाँ और किसको टाइम देते हो? एक पिछली बार एक आंटी थी, वो तो पता है मुझे कह रही थी कि ना मेरे साथ गोवा चलो उस पे छुट्टियों पे पूरे 1 वीक के लिए। अच्छा। और पूरा पता है कहाँ पे ताज में रुका रही, और इतना बढ़िया मतलब आलीशान, सारी चीज आलीशान। मैंने मना कर दिया उसको, लेकिन मैंने कहा ये तुम्हें आइडिया देता कौन है हा? यार ये तुमको ऐसी हरकतें वाले काम कौन बताता है? मेरे दोस्त ने बताया था, उसने न्यूज़पेपर में देखा। तुम्हारे दोस्तों को तो काट के डाल दूंगी मैं कहीं पे यार। दोस्त ने बताया था, उसने बताया था। तुम जो जॉब कर रहे हो उसमें वो नहीं है तुमको कि तुमको और भी तीसरा काम चाहिए, और भी एक्स्ट्रा सैलरी चाहिए तुमको, ऐसे ऐसे काम करके एक्स्ट्रा सैलरी चाहिए तुमको। अरे यार मैं जो कर रहा हूँ साला पापी पेट के लिए तो कर रहा हूँ। पापी पेट के लिए कौन करवा रहा है तुमसे? पापी पेट के लिए कौन करवा रहा है तुमसे? अरे क्या कौन रहा है? हाँ? अरे कहे कोई नहीं रहा। तुम्हारे शौक बढ़ गए हैं ये कहो ना, तुम्हारे शौक बढ़ गए हैं, तुमको ये भी चाहिए वो भी चाहिए, तो तुम उसके लिए ये करोगे क्या? नहीं ये करोगे क्या? बाल्टी देके मारूंगी मैं तुमको, ये करोगे यार? बाल्टी तो तू साइड रख दे, तू मेरी बात तो सुन, तू यार ध्यान से सुन थोड़ा, साइड हो जा। क्या ध्यान से सुनूं? क्या ध्यान से सुनूं तुम्हारी बकवास की? जब देखो भाई याद बातें करते रहते हो, जब देखो। क्या करूं फिर बताओ? मैं क्यों घरों के काम करूं? मैं क्यों करूं? हाँ यार उस बाल्टी से पानी दिया जाता है यार पेड़ों को, तो उसको तोड़ क्यों रही हो यार? तोड़ क्यों रही हो बताओ यार? और जो तुम कर रहे हो उसका क्या? वो पिछली बार वो आंटी के पैसों से मैं वो बाल्टी लेके आया था, उन्होंने जो अरे ऊपर से टिप देते ना लास्ट में 500 रुपए, ऐसे पैसों की ना जरूरत नहीं है। तो तुम अपने पैसे अपनी जेब में रखा करो, ये फालतू की ये साइड जो पॉकेट मनी आती है ना तुम्हारी, ये अपनी जेब में रखा करो, हमको जरूरत नहीं है। ठीक है सही कह रही है तू। क्या सही कह रही? नहीं क्या सही कह रही? लेकिन अब उससे 6 महीने का तो कॉन्ट्रैक्ट है ना, 6 महीने तक तो मुझे करना ही पड़ेगा। किससे पूछ के लिया था ये कॉन्ट्रैक्ट? किससे पूछ? हमसे पूछते हो तुम कुछ करने से पहले? यार तुमसे पूछूंगा, तुम थोड़ी करने दोगी यार। नहीं तुम्हारे अकल में जो है ना, दिमाग में तुम्हारे तुझे पता चल गया कुछ है नहीं। मैं तेरे को पहले से कह रहा था कि ना तू एक काम कर, तू मुझे कुछ दिनों के लिए यहाँ पे अकेला छोड़ दे, ताकि मैं यार मैं थोड़ा ढंग से अकेले काम तो कर पाऊंगा यार। तुम क्या काम करना अकेले? तुमको क्या काम करना है? अरे मतलब तू मुझे गलत समझ रही है तू यार। मैं क्या गलत समझूंगी? तुम हो ही गलत, समझने की जरूरत क्या है? तुम दिख रहे हो तू एक है? एज ग्रुप चेंज करो, ये चेंज करो, तुम्हें छित्तर परेड होगी तुम्हारी अब। एज ग्रुप वाली बात, हाँ एज ग्रुप वाली बात तो सही है करके देख। उनको तो अच्छा लगता है कि उनके साथ जवान लड़का घूम रहा है, मुझे थोड़ी अच्छा लगता है मेरे साथ बुढ़िया घूमे। 40 साल यार, और एक तो वो 50 साल की थी यार। कपड़े पहनते हैं ऐसे शॉर्ट ड्रेस। सही है, तुम उसी लायक हो। उन्हीं के बैग उठाओगे ना और साथ में घूमोगे, उसी के लायक हो। लेकिन मन नहीं करता यार, मन बिल्कुल नहीं यार करता है। कोई अच्छा अभी लेकिन उसने बोला है, मुझे प्रॉमिस किया है नए नए एज ग्रुप वाली देगा। अरे यार नए एज ग्रुप की मिल जाएगी। बोतल ऑर्डर लाओगे हमारी, चक्करों कर करके अपने फालतू को। तो तू तोड़ क्यों रही है यार? तुम मैं तुमको तोड़ूंगी, मैं तुमको तोड़ूंगी। मैं अपने घर की चीजें क्यों तोड़ूं? मैं तुम्हें तोड़ूंगी। सही कह रही तो वहीं बस जाओ ना, आंटियों के घरों में जाके वहीं रहो। तुम 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है ना, उधर ही रहो। इधर आने की वो तो रेडी है एक। हाँ रेडी है, यही है। वो तो रेडी है, तुम भी रेडी हो। बस बोलने वाले थे, कह दो 2-4 दिन में इसी बात को बात करने वाला था। मैं तेरे से इसी बारे में बात करने वाला था। आ गए ना अपनी औकात पे, आ गए ना। मैं तेरे से बात ही यही करने वाला था। तू मुझे नहीं, मैं चुप रहती हूँ ना, शांति से रहती हूँ। तो शांति से रहने दिया करो। शांति से रह ले, शांति से रह ले। तुम क्या चाहते हो कि लोग बाग तमाशा देंगे तुम्हारा? तो क्यों तमाशा क्या दिखाना यार इसमें? अपनी सीक्रेट, अपने घर की बात करोगे तो तमाशा ही होंगे ना। अपनी सीक्रेट बातें, सीक्रेट बातें। शौक देखो इनके, BMW में बैठेंगे। शकल देखिए अपनी, BMW में। यार तो BMW सोच, कभी सोचा था तूने BMW में बैठ के घूमेंगे हैं? मैं बैठ चुकी हूँ, मुझे बात मत बताओ। तुम अपना सोचो कि तुम बैठो या नहीं। तुम तो बैठ ही रहे हो, और किसके साथ बैठ रहे हो वो तुमको पता है, और क्यों बैठ रहे हो वो भी तुमको पता है। तो मुझे मत बताओ। तो क्या छोड़ दूं? मेरे से पूछ के किया था क्या यार? एडवांस से मिलने वाला है यार। मेरे से पूछ के किया था ये अपना एडवांस अपने पास ही रखना। तू रख लेना अपने, मैं क्यों रखूं? मैं एडवांस आएगा तू रख लेना, मैं क्यों रखूं एडवांस? मुझे तो चाहिए नहीं ऐसा पैसा तुम्हारा। प्लेबॉय बनेंगे, प्लेबॉय बॉय से लगते भी हो तुम। तो बॉय ही हूँ यार, तुझे क्या लग रहा है मैं क्या हूँ? उनको भी तो मेरे ऐसे ही चाहिए ना, तभी तो मेरी डिमांड इतनी है। अब वो पता है जिनके साथ वो घूमती, तो उसकी फ्रेंड भी मेरे को ऑर्डर करती है कि वो उसको कोई बुक करो और 2-4 महीने घूम लो उनसे। नेक्स्ट तुमसे ड्यूटी, तुम उनसे हाथ पैर दबाएंगी, वो यही करवाएंगे। वो तो ऑलरेडी करवाती है, हाथ पैर तो मैं दबा ही रहा हूँ ना यार। और यहाँ हमसे हाथ पैर दबाते हो अपने। हाँ, उनके वहां दबा दबा के इधर हमसे आके कहते हो मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। एक्स्ट्रा पैसा देती है। 1 घंटा अगर मैंने उनके हाथ पैर दबाए तो मान के चल उसके 10,000 रुपए घंटे के एक्स्ट्रा मिलते हैं मुझे। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। इतनी अमीर है? रईसी की उनकी कोई लिमिट नहीं है, इतने रईस हैं वो। सुपर प्रीमियम वाले लोग हैं, सुपर प्रीमियम रिच। तो जाओ, बस जाओ तुम। नहीं, वही जाके हाथ पैर दबाओ, उनके सरों में मालिशें करो, उनके हाथ दबाओ, पैर दबाओ। तुम उसी राय को चरणों में बैठ जाना उनके, जाओ पैर दबाते रहना और अपने शौक पूरे करते रहना। जाओ फिर मैं पक्का। हाँ जाओ जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। तुम जाओ, तुम भी वही लायक, उसी के लायक हो तुम। जाओ। मैं कहूँ अप्रैल फुल प्रैंक कर रहा हूँ तेरे ऊपर, तो 50 साल के क्या अप्रैल फुल प्रैंक कर रहा हूँ तेरे ऊपर। क्या प्रैंक है? अप्रैल फुल। हाँ? आज 1 अप्रैल है। अप्रैल फूल बनाया। तुम्हें कुछ और काम ही नहीं क्या? और तुम बात किससे कर रहे थे? अरे कोई भी नहीं था, खाली है फोन, खाली। और तुमको पता था कि मैं बालकनी में हूँ? पता था, तभी तो तेरे को बेवकूफ बनाया। हो गया, मजाक आया ना? मजा आया ना?